हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद एनी। आज मैंने बनाया है ये बैंगन की सब्जी, जो कि मैंने सरसों डाल के बनाया है। ये बहुत टेस्टी लगती है, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि हम लोगों ने ये मछली की सब्जी बनाई है। जिन लोगों को बैंगन नहीं भी पसंद है, ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है उनको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये छोटे वाले बैंगन लिए हैं। आप किसी भी बैंगन से बना सकते हो, बड़े वाले या छोटे में जो ग्रीन वाले आते हैं उस बैंगन से। यही सेम रेसिपी फॉलो करके आप ये वाली सब्जी बड़ी आसानी से बना सकते हो अपने घर पे। तो मैंने ये बैंगन को पूरे 4 स्लिट लगा दिए हैं, ऐसे देखिए, ऐसे करके स्लिट कर देना है। अगर आप चाहें तो आप इसका जो डंठल है वो हटा सकते हैं, मैंने नहीं हटाए थे, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। सबको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अब लेंगे एक पैन, देखिए हमारा पैन गरम हो चुका है। अब उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल, मैंने सरसों तेल में बनाया है। मैंने एक कटा हुआ प्याज, फाइन चॉप प्याज डाला है। प्याज ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो इसमें पीसा हुआ मसाला जाता है वो प्याज का ही जाता है। तो मैंने बस फ्राई करने के लिए एक छोटा सा प्याज अच्छे से चॉप करके डाल दिया। देखिए हमारा प्याज गल गया है। तो अब इसमें मैंने डाला है सरसों, लहसुन और प्याज का मसाला। आप ये मसाले को अपने क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने अपने बैंगन के हिसाब से 2 प्याज, 1 कली लहसुन और बहुत कम सरसों डाला था। अब इसमें डालेंगे हम अपने सारे बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, मिर्ची पाउडर। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, जब तक हमारे मसाले का तेल बाहर ना आ जाए। देखिए अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, बहुत पतले पतले स्लाइसेस करके मैंने टमाटर डाले हैं ताकि ये तुरंत में गल जाए। देखिए हमारे टमाटर भी अब आसानी से गल चुके हैं और हमारे सब्ज़ी का जो है तेल भी बाहर आने लगा है। अब हम एक एक करके अपने बैंगन को डाल देंगे इसमें। ये देखिए कुछ इस तरह से मैं सारे बैंगन को मसाले में डाल रही हूँ। अब बैंगन को अच्छी तरह से भूनिए इस मसाले में 3 से 4 मिनट तक, लो मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो हमारे बैंगन के अंदर सारे मसाले अच्छे से जाएं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल बन के तैयार हो। देखिए हमारा बैंगन बहुत अच्छे से पक रहा है, मसाला भी इसके अंदर जा रहा है, जो मसाला है बहुत अच्छे से भुना है मैंने। अब इस स्टेज पे थोड़ी देर भुनने के बाद स्टेज पे हम डालेंगे इसमें पानी। पानी अपने क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कैसी चाहिए उस हिसाब से डालिए। मैंने छोटे ग्लास से 1 ग्लास और बहुत हल्का सा पानी डाला था। ये देखिए अब हम इसको ढक करके लो मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मुझे और पानी डालना था, डाल दिया है मैंने। अब मैंने इसको पका लिया है, बहुत अच्छे से हमारा बैंगन भी गल गया है। लास्ट में थोड़ा सा कसूरी मेथी और धनिया पत्ती हम डाल देंगे। अगर आप चाहो तो कसूरी मेथी स्किप भी कर सकते हो, मैंने डाला है, थोड़ी मछली वाली फ्लेवर आती है इसमें क्योंकि इसमें मैंने सरसों डाला है। तो बस रेडी है ये हमारी बैंगन की सब्जी, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी और बहुत इजी, बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बन जाती है ये सब्जी। तो मैं इसको सर्व कर रही हूँ अपने ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए। आप भी अपने घर पे बनाइए, खाइए इसको रोटी के साथ या चावल के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत टेस्टी लगती है। अब यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।